विश्व इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। कहा गया है कि किसी की 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता और किसी की 100 दिन की जिंदगी भी बहुत कुछ कर जाती है। इतिहास में ऐसे विरले महापुरुष, ऐसे विरले व्यक्तित्व के धनी बहुत सारे योद्धा, सेनापति, वैज्ञानिक, इतिहासकार और कुशल प्रशासक हुए हैं। एक कुशल प्रशासक या एक कुशल मैनेजर के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में हम गैरिबाल्डी की तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि इटली का जो एकीकरण संपन्न हुआ था उसमें गैरिबाल्डी का भी बहुत बड़ा योगदान था। यदि निष्पक्ष रूप से देखते हैं तो कैबूर के साथ साथ गैरिबाल्डी के व्यक्तित्व ने तत्कालीन यूरोप को प्रभावित किया और एक असंभव सा काम जो इटली का एकीकरण था वो संभव हो पाया। तो आज हम देखेंगे गैरिबाल्डी और इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण को सफल बनाने वालों में दूसरा उल्लेखनीय नाम गैरिबाल्डी का है, जो इटली का गांधी कहा जाता है। उसका जन्म 1807 में इटली के नीस नगर में हुआ था। कहां हुआ था? नीस नगर में हुआ था। उसका पिता एक व्यापारिक जहाज का कप्तान था। उसने अपने पुत्र की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया परंतु उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। बड़ा होने पर वह भी तटीय व्यापार में लगभग 10 वर्ष तक कार्य किया और इस काल में उसे भूमध्य सागर का अच्छा ज्ञान हो गया, परंतु उसका मन देश सेवा की ओर झुका हुआ था। उस समय इटली में मेजिनी का प्रभाव फैला हुआ था। वह भी तरुण इटली का सदस्य हो गया। 1833 में उसने मेजिनी के साथ एक असफल षड्यंत्र में भाग लिया। पता चल जाने पर बंदी बना लिया गया। अभियोग चलने पर सार्डिनिया के राजा ने उसे मृत्युदंड दिया, परंतु वह किसी प्रकार जेल से निकल भागा और अमेरिका चला गया। अनेक कठिनाइयों का सामना करता हुआ वे 1848 तक वहीं रहा। अमेरिका में उसने गुप्त रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया। वह शक्ति में विश्वास करता था। अमेरिका में वह तथा उसके साथी लाल कमीज पहनते थे, अतः उसका दल लाल कुर्ती दल, रेड शर्ट पार्टी के रूप में याद किया जाता है। गैरिबाल्डी द्वारा इटली के एकीकरण का प्रयास। 1848 में जब उसे पता चला कि इटली में राष्ट्रीय संघर्ष हो रहा है तो वे अमेरिका से इटली लौट आया। हजारों की संख्या में इटली के वीर युवक उसके झंडे के नीचे आ गए। उसने सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एडवर्ड को ऑस्ट्रिया में के विरुद्ध सहायता देने की इच्छा व्यक्त की। एडवर्ड ने उसकी इच्छा को स्वीकार नहीं किया। अब वे रोम चला गया, जहां की मेजिनी पोप पियूट नवम के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। मेजिनी वे गैरिबाल्डी दोनों ने मिलकर वहां गणतंत्र की स्थापना की, परंतु फ्रांस का राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय पोप की सहायता के लिए आ पहुंचा। नवीन गणतंत्र की रक्षा का भार मेजिनी ने गैरिबाल्डी पर छोड़ा। उसने वीरता से शत्रु का मुकाबला किया, परंतु पोप का पतन सन्निकट न देखकर वे अपने 4,000 सैनिकों के साथ पहाड़ों में चला गया।
वहां से गुरिल्ला युद्ध पद्धति से शत्रु का मुकाबला करता रहा, परंतु वहां भी असफल रहा। इस असफलता के उपरांत वे देश छोड़कर जाने को तैयार हुआ। जब वे जाने की तैयारी कर ही रहा था, तब उसके बहुत से अनुयायियों ने उसके साथ ही रहने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। उस समय उसने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा था, मैं तुमको न वतन देता हूं, न भोजन देता हूं और न निवास के लिए मकान। मैं तुम्हें भूख, प्यास, जबरन आगे बढ़ना ही दे सकता हूं। अतः जो मुख से सहानुभूति व्यक्त करने वाले हैं वे नहीं, वरन सच्चे हृदय से देश को प्यार करने वाले ही मेरा अनुगमन करें। तो इस प्रकार एक भावनात्मक और बहुत ही कठोर बात उसने कही। उसके बाद में उसके जो अनुयायी हैं वो उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप यहीं रहे और हम तन मन धन से हर प्रकार से येन केन प्रकारेण इटली का एकीकरण करके ही दम लेंगे। तो इस आश्वासन के बाद केरिबाल्डी ने वहां से जाना, देश से बाहर जाना जाने का जो विचार था उसको त्याग दिया। एकीकरण का प्रथम चरण 1854 तक गेरिबाल्डी अमेरिका में ही रहा। इस काल में उसने वहां अच्छा पैसा कमाया पर अपनी प्रिय पत्नी को दुष्ट काल के भेंट कर दिया। वहां भी उसका ध्यान निरंतर इटली की स्वतंत्रता की ओर ही लगा रहता था। अतः 1854 में इटली आकर उसने सार्डिनिया के शासक से परेरा द्वीप खरीद लिया और वहीं रहने लगा। 1856 में उसकी केबूर से मुलाकात हुई। जो तीन व्यक्तित्व तो हम देखते हैं, मेजिनी, गैरिबाल्डी और केबूर, तो केबूर का प्रवेश भी अब राष्ट्रीय आंदोलन में इटली के अंतर्गत हो जाता है। और इस मुलाकात का परिणाम यह हुआ कि गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में इटली का एकीकरण स्वीकार कर लिया। अतः इन दोनों की मुलाकात इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस मुलाकात ने दो अलग अलग विचारधाराओं को एक कर दिया। सिसिली व नेपल्स की विजय 1859 में इटली में स्वतंत्रता संग्राम ने पुनः जोर पकड़ा। इस शुभ समाचार के पाते ही गैरिबाल्डी अपने लाल कुर्ती दल के स्वयं सेवकों के साथ सिसिली के लिए रवाना हो गया। जब वे सिसिली के प्रमुख केंद्र पेलरेमो की ओर बढ़ रहा था, तब मार्ग में 15 मई 1860 को केल्टाफेनी में उसका नेपल्स की सेना से मुकाबला हो गया। उस सेना को परास्त कर वे आगे बढ़ा और 27 मई को उसने पेलरेमो पर भी अधिकार कर लिया। जून में सिसिली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वे नेपल्स विजय के लिए आगे बढ़ा और 21 अगस्त को उसने रेगियो पर अधिकार कर लिया। नेपल्स के राजा को किसी से सहायता न मिलने के कारण वह गैरिबाल्डी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। इसके विपरीत नेपल्स का राजा फ्रांसिस गेटा के दुर्ग में जा छिपा और गैरिबाल्डी ने 6 सितंबर 1860 को नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स में पुरातन राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त करने में सफल रहा। गैरिबाल्डी का रोम के लिए कूच करना। नेपल्स व सिसिली की सफलता से उत्साहित होकर गैरिबाल्डी रोम की ओर रवाना हुआ, परंतु केपुआ स्थान पर नेपल्स की सेना ने उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अतः उसे यहां कुछ दिन रुकना पड़ा। इसी अंतराल में टियोनो पर गैरिबाल्डी की विक्टर इमैनुअल से मुलाकात हुई। दोनों ने साथ साथ नेपल्स में प्रवेश किया और गैरिबाल्डी ने उसे इटली का शासक स्वीकार कर लिया। नेपल्स में सिसिली उसे सौंप दिए और अपने त्याग का बिना पुरस्कार लिए वे वापस परेरा टापू लौट गया। यानी कि बिना किसी इच्छा के, आकांक्षा के, महत्वाकांक्षा के
उसने जो उसके मन में था कि इटली का एकीकरण करना है उस ओर उसने विक्टर इमैनुअल को वहां का राजा बना करके वो वापस अपने खरीदे हुए द्वीप परेरा लौट गया। अपने इस त्याग के कारण ही वे इटली का गांधी कहा जाता है। इस प्रकार काबूर ने कूटनीति से गेरिबाल्डी को रोम पर आक्रमण नहीं करने दिया। उस समय रोम में पोप की सुरक्षा के लिए फ्रांस के नेपोलियन तृतीय की सेना पड़ी हुई थी। उसने इंग्लैंड की सहायता से गेरिबाल्डी को रोकना भी चाहा था, परंतु इंग्लैंड ने इटली की स्वतंत्रता में अपनी आस्था व्यक्त की। इसी समय नेपोलियन पोप से किसी बात पर नाराज हो गया। उसकी नाराजगी ने कैबूर को रोम पर आक्रमण करने का अवसर दे दिया। उसने पोप की सेना को 29 सितंबर को एंकोना पर परास्त कर रोम पर भी अपनी दाग जमा ली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में गेरिबाल्डी का प्रवेश होता है और कैबूर की सहायता से इटली नेपल्स और सिसिली को जीतने में वो कामयाब रहता है। और ये लगभग इटली का एकीकरण का जो पहला चरण है वो गेरिबाल्डी के माध्यम से खत्म होता है। लेकिन फ्रांस के नेपोलियन तृतीय की जो शक्ति थी, उसकी जो सैनिक धाक थी, उसका डर इनको कैबूर को सताए हुए था। इस कारण से इस समय इन्होंने रोम पर आक्रमण नहीं किया। और रोम को बाद में हम देखते हैं कि कैबूर ने जीत करके इटली का एकीकरण संपन्न किया था। तो इस प्रकार गेरिबाल्डी का जो रोल है वो एक त्यागी व्यक्ति के रूप में और निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में इटली के एकीकरण में सामने आता है। इसी कारण उसको इटली का गांधी भी कहा जाता है। थैंक यू। जलालुद्दीन काठार, एसटी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।